नमस्कार साथियों, सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत है और न्यू 27A में भी आप सबका स्वागत है। न्यू 27A को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे इस चैनल को, संजय जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज मैं प्रवीण कुमार उस्ताद अपने ऑफिशियल फेसबुक से आज आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रंगों के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी होली के बहुत मज़े लिए होंगे, इन्जॉय किया होगा, तो आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं, मैं यहाँ पर लाइव आया हूँ, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मुहिम में अपनी भागीदारी दी। जी हाँ साथियों, आप सबको पता ही होगा, पिछले कई समय से हमारा एक संघर्ष चल रहा था जिला चिकित्सालय और जिला परिवहन का, तो ये दोनों मांगें हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनता को बहुत बहुत बधाई। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा, वो मैं सबसे पहले रघुवीर जी मीणा, जो CWC मेंबर है और हमारे क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता भी है, रघुवीर जी मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी मीणा, इनका मैं और हमारी पूरी कमेटी, जिला मनाव संघर्ष समिति पूरी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उसके बाद में श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा, कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी शर्मा, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चेयरमैन साहब प्रद्युमन जी कोड़िया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इनकी जो पूरी टीम थी जो इस कार्य में लगी थी, उनका भी मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम, हमारे जिला बनाव संघर्ष समिति की पूरी टीम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मैं। तो साथियों, ये जो हमारी मुहिम थी ये पिछले कई समय से चल रही थी। आप सबको पता ही है सलूम्बर, हम जो मुहिम चलाए सलूम्बर को जिला बनाने के लिए पिछले 40 साल से, तो उस मुहिम में समय समय पर हमने इवेंट भी किए और हम करते भी आ रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य जो चीज़ें थी वो थी, एक तो जिला परिवहन कार्यालय और जिला चिकित्सालय। तो यूँ तो हमने समय समय में इन दोनों मांगों के लिए भी हम संघर्ष करते आए, हमने ज्ञापन दिए, हमने बहुत सी मुहिमें भी चलाई, ज्ञापन दिए, नेताओं से मिले, मंत्रियों से मिले और यहाँ की जो लोकल जो पॉलिटिकल विंग है उनसे भी हमने बराबर संपर्क किया और इस मुहिम को आगे चलाते रहे। तो ये जो इस मुहिम को जो तेज़ गति मिली, उसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं ये 2020 में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद में नगरपालिका चुनाव 21 में हुए, लेकिन मैं 20 की बात कर रहा हूँ, तो 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। मैं 2020 के पहले जो भी हमने प्रयास किए, संघर्ष किए, मैं उन चीज़ों पर भी नहीं जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चीज़ें मैं उन पर बात करना चाहूँगा, जो पास्ट इज द पास्ट, ठीक है ना, मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहूँगा मैं। और मैं चलो ठीक है, तो अब मैं आगे बात करता हूँ। 2020 की बात है, तो लक्ष्मीकांत जी शर्मा, उस वक्त नगरपालिका डिजोल्व हो चुकी थी, नगरपालिका कार्यकाल पूरा हो चुका था और सभी वेट कर रहे थे नए चुनाव का। तो आपको सबको पता ही होगा कि इस बार चुनाव लेट हुए थे, 6 से 8 महीने लेट चुनाव हुए थे। तो लक्ष्मीकांत जी शर्मा कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष और ये अभी जो वर्तमान में चेयरमैन बने हैं प्रद्युमन जी कोड़िया, और इसके बाद में सुनील जी सेवक और विजय जी चौबीसा, ये चारों हमारे आए, हम मिलते ही हैं रोज़। तो 2020 में लगभग ये जुलाई या अगस्त की कुछ बात थी, उस वक्त हमने सिर्फ एक बात शेयर की थी कि अगर सलूम्बर में ये जिला चिकित्सालय और जिला परिवहन कार्यालय आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, अभी आपकी सरकार भी है राज्य में और चुनाव होंगे तब होंगे, लेकिन अगर ये हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप सबको यकीन नहीं होगा, उन्होंने हाथों हाथ उसी वक्त उस चीज़ को गंभीर ले लिया। और उसके बाद में लक्ष्मीकांत जी शर्मा, 2-4 दिन के बाद में लक्ष्मीकांत जी शर्मा का हमें कॉल आया कि आप जो मांगे जो बता रहे हो जिला चिकित्सालय और जिला परिवहन कार्यालय की, क्या वास्तव में संभव है क्या? तो हमने कहा बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने बोला कि अपने पास कोई कागजी कार्रवाई या कोई रोड मैप या ऐसा कुछ आंकड़े स्टेटिक्स क्या मौजूद है? तो हमने कहा हमारे पास सब कुछ मौजूद है, बस ज़रूरत है पॉलिटिकल सपोर्ट की और आगे हमारी बात सरकार तक पहुँचाने की। तो उसके बाद में ये लक्ष्मीकांत जी शर्मा और सुनील जी सेवक ने CWC मेंबर रघुवीर जी मीणा से समय लिया कि सलूम्बर के कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं।
और रघुवीर जी ने टाइम दिया, हम सब यहाँ हमारी पूरी जो समिति थी, तस्दुक भाई बोरा के नेतृत्व में और प्रहलाद जी पटेल के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम रघुवीर जी से मिली। और रघुवीर जी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो हमने बोला कि हम इन दो कामों के लिए आए हैं, जिला चिकित्सालय और जिला परिवहन कार्यालय के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला ये संभव थोड़ी क्या, अपना सलूम जिला थोड़ी क्या, तो आप इस तरीके की मांगे कर रहे हो। तो हमने बोला नहीं, ये संभव है। तो उन्होंने उसी वक्त इंटरेस्ट ले लिया उस चीज़ को, क्या वास्तव में ये चीज़ है, हो सकती है? हमने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो उन्होंने बोला क्या आपने पास ऐसे कोई आंकड़े या ऐसा कोई स्टेटिक्स क्या मौजूद है, या ऐसा कोई आपके पास कागजी कार्रवाई ऐसी कोई है जिससे आप अपनी बात मजबूती से आगे सरकार तक पहुँचा सके? तो हमने कहा बिल्कुल है, हमारे पास ये चीज़ें सारी मौजूद है। तो उन्होंने उसी वक्त इंटरेस्ट लिया और अपना ये जो निजी सचिव होते हैं, सचिव कहें या सेक्रेटरी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये पूरी डिटेल मेरे जैसे सेक्रेटरी कहेंगे उनको, तो हम उनको आप पूरी ये डिटेल बताओ। तो हमने पूरी उनके जो निजी सचिव थे सेक्रेटरी थे उनको हमने पूरी डिटेल बताई और उन्होंने उसी वक्त एक खाका तैयार कर लिया। और उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीक शायद हम उस 7 या कुछ तारीख थी, मैं भूल गया हूँ, 7 सितंबर ऐसा कुछ तारीख थी, अगस्त सितंबर कोई तारीख थी ऐसी वो। तो उन्होंने बोला मैं 14 तारीख को नेक्स्ट वीक मैं जयपुर जा रहा हूँ, हाथों हाथ ये चीज़ें ले जाऊँगा। अब उसमें मज़ेदार बात ये थी कि हमारे उदयपुर ज़िले के जो प्रभारी थे, प्रभारी मंत्री थे, वो प्रताप सिंह जी खाचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री, जो प्रभारी मंत्री भी थे उदयपुर ज़िले के और सड़क परिवहन मंत्री भी थे राजस्थान सरकार के। तो ये चीज़ें हमें लगा कि ये हमारे पक्ष में है, पॉजिटिव चीज़ें ये, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और इसके बाद में रघुवीर जी ने इसका स्वयं इंटरेस्ट लिया। सबसे बड़ी बात यह कि रघुवीर जी ने स्वयं इंटरेस्ट लिया और फिर बात आगे चलती गई और फिर 2021 में चुनाव आ गए। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, उसके पहले हमने अतुल भावसा जो कि स्थानीय अपना समय किरण अखबार चलाता है, जो लोकल अखबार चलाता है, साप्ताहिक अखबार चलाता है, तो उसको भी हमने ये पूरी डिटेल बताई कि अतुल ये बात उठानी पड़ेगी हमको समाचार पत्रों के माध्यम से। तो अतुल ने भी इसका इंटरेस्ट लिया और अपने समाचार पत्र में इसको जगह दी और इसकी पूरी एक खबर बना के, डिटेल बना के अपने अखबार में प्रकाशित भी की, और जिसका एक सकारात्मक रिस्पांस भी मिला हमको, पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला हमको। उसके बाद में चीज़ें चलती गई और फिर चुनाव आ गए, हमारी बातें जो सरकार तक पहुँचानी थी वो पहुँच गई। हालांकि इसके बीच में छोटी मोटी चीज़ें और हुई थी, लेकिन मैं उन चीज़ों छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। तो हमारी बात सरकार तक पहुंच गई थी कि हमारी दो बड़ी मांगे। उसके बाद में चुनाव आ गए, चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से दोनों पार्टियों से, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से, हमारी संघर्ष समिति में और वैसे सलूम्बर में ये माहौल बन चुका था, तो हमने ये दोनों पार्टियों से आग्रह किया, निवेदन किया, अपनी मांगे रखी कि अगर आप चुनाव जीते तो हमारी ये दो मांगे जो आपको पूरी करवानी होंगी। और दोनों अच्छी बात ये रही कि दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों मांगों को ऊपर रखा और अपने घोषणा पत्र में लिया, ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही। और उसके बाद में उसके बीच में एक 56 का मैटर भी आया था, मैं उसके बारे में भी आपको आगे बात करूंगा मैं कि उस 56 वाला मसला क्या था, उसके ऊपर आप मैं थोड़ा आगे जिक्र करूंगा मैं। तो उसके बाद में चुनाव हुए नगर पालिका के, इन दोनों वादों का दोनों पार्टियों ने जम के वादे किए, हमारी इस मांग को उठाया, हमारी मांग को अपने घोषणा पत्र में जगह दी और ज़ोर शोर से चुनाव में इनका बखान भी किया कि हम ये करेंगे, मतलब करेंगे दोनों काम ये। और उसके बाद में चुनाव हो गए और सभी को इंतज़ार था कि अब ये हमारी मांगें पूरी होने वाली, क्योंकि उसके जस्ट 1 महीने बाद ही बजट था, तो सभी की उम्मीदें बढ़ गई। और फिर हमने वापस रघुवीर जी से और यहाँ की जो लोकल जो इनकी कांग्रेस विंग है चेयरमैन साहब से, उनको हमने हमारी बातें बताई, हमने हमारी मांगे याद दिलाई कि आपने ये दो मांगे मुख्य थी, दो मांगे हमारी मुख्य थी, इसमें एक मांग और थी, तीसरी मांग में उसके बारे में अलग से बात करूंगा मैं, तो पहले मैं इन दो मांगों की बात कर लूँ मैं। और उसके बाद में आप सबको पता ही है बजट शायद मैं तारीख भूल गया, 21 फरवरी या कुछ तारीख थी वो, उस तारीख को बजट आया और सलूम्बर का नाम उसमें गायब हो चुका था। और आप सबको पता है पूरे सलूम्बर में एक मायूसी और गुस्से का माहौल बन गया था, इसमें मैं खुद भी था, हमारी पूरी टीम थी। और उसी वक्त जो सलूम्बर का नाम नहीं आया तो मैं गुस्सा था, तो हमने सीधा फर्स्ट में तो मैंने ही लक्ष्मीकांत जी शर्मा को फ़ोन लगाया कि भाई साहब क्या हुआ, आपने बढ़ चढ़ के वादे किए थे और ना तो अपना ये काम हुआ, ना वो काम हुआ, ना वो काम हुआ। तो फिर तो उन्होंने बोला थोड़ा सब्र रखो, इसके ऊपर हम कुछ करते हैं यूँ, ठीक है। उसके बाद में हमने वापस
उसके बाद में 3 मार्च को संशोधित बजट आना था, और संशोधित बजट के पहले 23 मार्च और संशोधित बजट, इसके में 7-8 दिन का जो समय था, 8-10 दिन का समय था, उस दिन में आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन खाली नहीं गया जब हमने लक्ष्मीकांत जी शर्मा चेयरमैन साहब को और इनको, सुनील जी सेवक को, और ये जो भी कांग्रेस की जो लीडरशिप है उन सबको, एक दिन खाली नहीं गया जब हमने इनको पिन नहीं किया कि आखिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि चेयरमैन साहब और लक्ष्मीकांत जी शर्मा खुद गंभीर हुए, और ये फिर शायद 28 या 29 फरवरी को ये खुद जयपुर गए। रघुवीर जी भी उसमें खुद इंटरेस्ट हुए, रघुवीर जी खुद इन पूरी कांग्रेस कमेटी के, इनके जो भी सदस्य थे, उन सबको जयपुर ले गए और अपनी एक मांग, और वहाँ पे अपनी दोनों मांगें रखी, और दोनों मांग में फिर आप सबको पता ही होगा 3 मार्च 2021 के दिन अपनी एक मांग पूरी हो चुकी थी, वो थी जिला चिकित्सालय की। अब आते हैं जिला परिवहन की, और जिला परिवहन का काम नहीं हुआ, हमें थोड़ी उससे मायूसी भी हुई। मायूसी होने के बाद हमने वापस इन सबको टटोलना शुरू किया, हमने सबको इनको पोक करना चालू किया, पिन करना शुरू कर दिया इनको। एक आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले एक साल में ऐसा कोई एक दिन बाकी नहीं रहा जब हमने, मैं जो नाम गिना रहा हूँ, सुनील जी सेवक, प्रद्युमन जी चेयरमैन साहब, लक्ष्मीकांत जी शर्मा, विजय, इसके बाद नरेश जी, राउब जी और महिपाल जी, और ये जो भी कांग्रेस के लीडर हैं, एक दिन ऐसा खाली नहीं गया पिछले एक साल में जब हमने इनको पिन नहीं किया है। इस मांग को लेकर एक मांग हो गई, दूसरी मांग कब करोगे हमारी पूरी, एक दिन बाकी नहीं गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने 365 दिन हमको गंभीर लिया, और 365 दिन ये अपनी कोई ना कोई मशक्कत जुगत लगाते रहते हैं, हाँ ठीक है ये करते हैं वो करते हैं, ये इनकी बराबर कोशिश ये भी करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि यहाँ पे 2-3 बार रघुवीर जी का आना हुआ, रघुवीर जी से भी हम मिले और हमको, हमने उनको याद दिलाया कि सर ये मांग अपनी अधूरी रह गई है, अपनी ये जिला परिवहन की मांग अपनी अधूरी रह गई है। तो रघुवीर जी हर बार ये बोला कि ये मैं स्वयं अपने इंटरेस्ट से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, ये काम अपना हो जाएगा। और CWC सदस्य रघुवीर जी का इंटरेस्ट लेना, यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी अपन की सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके कर रहा है, मतलब सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने भी उनके ऊपर भरोसा जताया कि अगर ये खुद इंटरेस्ट ले रहे तो अपना काम होगा, और फिर चीज़ें आगे चलती गई। और लक्ष्मीकांत जी शर्मा, इनको 365 दिन हमने फ़ोन करके इनको पिन करते गए, और इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, सबसे अच्छी बात ये रही। और इसके बाद में समय आता गया, और अभी ये वापस 22 फरवरी को बजट था राजस्थान सरकार का, 21 या 22 फरवरी को कुछ बजट था, उस बजट में वापस सलमर का नाम गायब था। गायब होने के बाद आप सबको पता ही होगा, मैंने लाइव भी किया था, हमारी टीम की तरफ से मैंने लाइव भी किया था, और मैंने गुस्से का इजहार भी किया था, और अभी भी कुछ हो सकता है इस बारे में ये भी चीज़ बताई थी। और फिर 3 मार्च को संशोधित बजट था, हमने वेट किया संशोधित बजट में कुछ होगा हमारा, और संशोधित बजट 3 मार्च के दिन भी कुछ भी नहीं हुआ, सलूमर के लिए कोई घोषणा नहीं हुई, तो हमको वापस हम गुस्से में आ गए। और फिर वापस हमने 3 मार्च के दिन हम परमानंद जी मेहता से हम मिले, परमानंद जी मेहता से हमने बात की कि सर क्या हुआ, आपने खुद ने ये बात बोली चुनाव जिस दिन नामांकन हो रहे थे उस दिन आपने बोला है कि ये 2 मांगें पूरी करवाना मेरी जिम्मेदारी और मैं करवा के रहूँगा, तो एक मांग हो गई, दूसरी मांग नहीं हुई। 21 मार्च को जो बजट था, 21 या 22 मार्च को जो बजट था वो चला गया, फरवरी को जो बजट था वो चला गया, संशोधित बजट 3 मार्च को था वो भी चला गया, फिर भी हम खाली हाथ। अब उसमें 3 मार्च के बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था, हमारी पूरी लॉबिंग, हमारी जो पूरी कमेटी थी, सारे सदस्य थे, वो सारे इन सभी जो लीडर थे कांग्रेस के, उनके पीछे यूँ समझो आप हाथ धो के बढ़ गए थे, नहा धो के बढ़ गए थे, महाराजा साबुन जो था अपना, महाराजा साबुन से लेकर पियर साबुन तक हम पियर साबुन से नहा धोकर हम इनके पीछे बढ़ गए। और वापस इनकी टीम वापस तैयार हुई, लक्ष्मीकांत जी शर्मा, प्रद्युमन जी और ये चेयरमैन साहब और ये परमानंद जी मेहता और रघुवीर जी, सुनील जी। और मज़ेदार बात ये रही कि रघुवीर जी कहीं शायद वाराणसी चुनाव में थे वो, तो रघुवीर जी
बी एकदम सीरियस हो गए, क्या बात की, सलूमर का नाम नहीं है, तीन बार नहीं आया, एक काम करो तो किसी काम में बीजी, वाराणसी चुनाव में बीजी थे। उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ जयपुर, आप सीधा वहाँ पहुँचो। तो यहाँ पे परमानंद जी और ये इनकी पूरी टीम, परमानंद जी मेहता और इनकी पूरी टीम, ये सीधा जयपुर पहुँचे। और जयपुर पहुँचने के बाद अपनी मांग रखी, जो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है आप सबको पता होगा। हमारे सलूमबर में जिला परिवहन अधिकारी का कार्यालय खोला जाना बहुत आवश्यक है। हमने नगर पालिका सलूमबर के घोषणा पत्र में ये शामिल किया हुआ था, तथा पेयजल की जो नगर पालिका की जो समस्या है उन मुद्दों के ऊपर हम यहाँ से आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए, धन्यवाद के साथ ज्ञापन। ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, परमानंद जी मेहता और इनकी पूरी टीम वहाँ पे गई थी, चेयरमैन साहब भी थे, लक्ष्मीकांत जी भी थे, सुनील जी भी थे और रघुवीर जी तो थे ही उसमें। तो ये सब गए और मुख्यमंत्री जी को स्पेशली अपनी बात रखी, हमारी एक मांग पूरी हो गई, दूसरी मांग पूरी क्यों नहीं हुई। तो आप कैसे भी करके ये 21 मार्च को कैसे भी करके हमारी ये मांग आपको पूरी करनी है, मुख्यमंत्री से स्पष्ट बोली इन्होंने बात। और फिर ये आ गए और हमको बोला कि आप 21 मार्च को देखो क्या होता है। और वास्तव में लक्ष्मीकांत जी की बात सच साबित हो और 21 मार्च को ये घोषणा हुई। अब उसमें भी एक ज़बरदस्त पेज था, पेज ये था कि मैंने उस दिन वो 21 मार्च का जो भाषण था मुख्यमंत्री जी का, माफ़ कीजिएगा चाय भी चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था, जो बजट का जो भाषण चला था अभी 21 मार्च को, उसमें मैंने लाइव किया था, मेरे यूट्यूब चैनल से सलूमबर लाइव से मैंने उसको लाइव किया था। तो उसमें दो चार घोषणाएं की थी लेकिन उसमें वापस सलूमबर का नाम गायब था, तो मैं एकदम हैरान रह गया। दो चार घोषणाएं की और उन्होंने बोला बाकी की जो भी है मैं टेबल पर रख दूंगा, बाकी जो भी हमारी जो घोषणा है वो मैं टेबल पर रख दूंगा। वापस मेरे को लगा कि काम अपना अटक गया और फिर वो लाइव खत्म हो गया, वो प्रोग्राम खत्म हो गया और फिर मार्केट में आया तो मुझे फ़ोन आया धर्मेंद्र शर्मा का। अच्छा मैं एक चीज़ और उसमें कहना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। पहले मैं एक बात कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद में जो बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले बात कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद में वो बात बोलूँगा मैं। तो मैं मार्केट में आया और मुझे धर्मेंद्र शर्मा का फ़ोन आया कि बधाई हो। मैंने किस बात की, अपने जिला परिवहन कार्यालय की सौगात बिल की घोषणा हो गई। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पूरा भाषण लाइव किया अपने चैनल से कि नहीं, उन्होंने कुछ चीज़ें रखी बाकी चीज़ें ये है। और उन्होंने फिर मेरे को PDF फाइल भेजी और उसमें देखा वास्तव में ये बात सही थी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें सभी का योगदान था। अच्छा मैं कुछ बात बता रहा था वो ये थी, इस बीच में जो 2021 जो बजट में सलूमबर का नाम नहीं है, जिला चिकित्सालय तो हो गया लेकिन जिला परिवहन नहीं हुआ था, तो हम उसके पीछे हाथ धो के पीड़े थे वैसे भी। तो यहाँ पे प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन मंत्री, जो खुराबड़ उनकी सभा थी क्योंकि चुनाव थे वल्लभनगर में, तो उनकी सभा थी। तो धर्मेंद्र जी शर्मा का हमें फ़ोन आया कि मंत्री जी खुराबड़ में आ रहे और हमें चलना चाहिए और इस बात को वापस रखना चाहिए कि हमारी मांग आप कब पूरी कर रहे हो। तो मैंने स्वयं उनको बोला कि हमारे पास जाने की कोई ऐसा कोई साधन वगैरह नहीं, अर्जेंट में हम कैसे जाएं वहाँ तक, और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो धर्मेंद्र जी शर्मा ने ये बात बोली और राकेश जी ने बोली कि आप ये आप तैयार हो जाओ, बस कैसे जाना है कब जाना है ये आप बस तैयार हो जाओ बस। हाँ ठीक है हम तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई, राकेश जी ने अपनी गाड़ी लगाई और धर्मेंद्र जी शर्मा खुद हमको वहाँ पर ले गए कुराबड़। और वहाँ पर कुराबड़ जाने के बाद धर्मेंद्र जी शर्मा ने भी और हमारी पूरी टीम ने भी, सबसे पहले तो पहला जी मैं और धर्मेंद्र शर्मा उनसे मिले, हमारी पूरी टीम थी। खाचरियावास जी से हमने स्पष्ट बोला कि आप हमारी ये मांग थी, चुनाव में मांग थी और आपने ये मांग पूरी नहीं की। तो उन्होंने बोला कि मेरी और सही है, डन 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 कोई चूक हो गई होगी, इस वजह से मैं 2021 में घोषणा नहीं कर सका और 2000 में आपको गारंटी देता हूँ कि ये इस जल्द से जल्द इसकी घोषणा हम करवा देंगे। तो फर्स्ट में हमने बोला, सेकंड टाइम पे हम सबने मिल के बोला, सेकंड टाइम पे वापस धर्मेंद्र जी शर्मा जो मंत्री जी नीचे उतरे, धर्मेंद्र जी शर्मा वापस पहुँच गए उनको याद दिलाने के लिए, साहब हमारी ये मांग थी हम सलूमबर से आए। और उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल मैंने आपकी मांग सुनी है और आप निश्चिंत रहें मैं आपकी मांग पूरी करूँगा। तो ये दो बार मीटिंग हो गई उसी दिन की बात उतारों में। फिर सब कुछ वहाँ पे वो मंत्री जी थे, माल्यार्पण वगैरह सब प्रोग्राम चल रहा, तो जाते वक्त फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इनको एक बार वापस टटोला जाए कि अपनी मांग ये भूले ही, इनको याद है कि नहीं कि वही हवा हवाई रह गई। तो सुरेश को
को सुरेश मीडिया कर्मी है ये, सुरेश टेलर। तो सुरेश वापस, सुरेश और हम सब पहुंच गए वहाँ पे वापस सीधा, और वापस सुरेश ने वही सवाल दाग दिया कि जो भी काम बकाया वो सब करेंगे सर, जिला परिवहन निगम वो तो मैंने हाँ कर दी हूँ। मंत्री जी, हमें सलूम्बर से हूँ और हमारे चुनाव की ये मांग, चुनाव में घोषणा पत्र में आपकी पार्टी ने ये वादा किया था और आपने ये मांग पूरी की, तो उन्होंने ये सब तो बोला था डन डन डन। ये मेवाड़ क्रांति न्यूज पे ये वीडियो भी मौजूद है और मैंने अपने चैनल पे भी ये वीडियो लगाया, तो आप देख सकते हो ये 2021 का ये वीडियो है। तो उन्होंने बोला डन डन डन, ये आपकी मांग पूरी हो चुकी है। तो उसमें ये उसके बाद में जो अभी ये जो बजट था 2022 का, फरवरी का जो बजट था, 21 फरवरी को जो बजट था उसके कुछ दो या तीन दिन पहले, दो नहीं शायद उसके 15-20 दिन पहले ऐसा कुछ था, मतलब कुल मिला के बजट के पहले ही धर्मेंद्र जी शर्मा और राकेश जी पूर्बिया ने अपना एक मांग पत्र सौंपा था CWC मेंबर रघुवीर जी मीणा को, अपना एक मांग पत्र सौंपा था। उस मांग पत्र में उन्होंने 5 मांगे रखी थी, इसमें पहले थी अगर राज्य सरकार जिला बनाती है तो सलूम्बर को इसमें प्राथमिकता दी जाए, और अगर राज्य सरकार इस बजट में जिले नहीं बनाती है तो हमारी ये मांग है कि सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय खोला जाए। उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी थे, कलेक्टर की मांग भी थी धर्मेंद्र जी की और से, और उनकी 2-3 मांगे और थी, टोटल 5 मांगे उन्होंने की थी। तो धर्मेंद्र जी शर्मा और राकेश जी पूर्विया की टीम भी उसमें लगी हुई थी और हमारी टीम भी उसमें लगी हुई थी, और आखिरकार हमको सफलता प्राप्त हुई। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं धन्यवाद और आभार जो प्रकट करना चाहता हूँ, इसमें सबसे हमारी टीम तो इसमें लगी हुई थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय जो व्यक्ति था वो था लक्ष्मीकांत जी शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी शर्मा। ये वो शख्स है जिनके ऊपर आपको पता है 56 का जो मसला चला था, तो 56 का क्या मसला था मैं आपको ये भी थोड़ा याद दिला दूँ। मैं एक्चुअली 56 का मसला यूँ हुआ था कि हमारी मांग तो जिला परिवहन कार्यालय की थी, तब तक 52 तक 2020 तक 52 जिला परिवहन कार्यालय थे। तो हमने लक्ष्मीकांत जी को बोला कि आप जो भी अपना है 53, 54, 55, 56 जो भी है अच्छा है। उसके बाद में पिपाड़ सिटी बन गया, और इसके बाद में RJ 54 एक और खेतड़ी वहाँ पे खेतड़ी RJ 53 बना और पिपाड़ सिटी RJ 54 बना। और तो उसके बाद में 55, 56, 57, 58 जो भी बनते जाएंगे, तो ऐसे ही बस बात कर रहे कि हमारा इलाका 56 है और तो 56 मिल जाए तो अच्छी बात है। हमने बोला 56 मिलो, 57 मिलो, 55 मिलो, कुछ भी मिलो, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि हम 56 जो हमारा इलाका भी पड़ता है सलूम्बर के, एक साइड 56 है और एक साइड में वाले, तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि 56 ही आना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चल गई थी, तो लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने भी ये बात स्वयं ले ली और मंत्री जी से उन्होंने खुद ही ये मांग कर दी, हमारे 56 ही चाहिए ये नंबर। RJ 56 अगर मिल जाए हमें, क्योंकि हमारा जो एरिया वो 56 लगता है, जैसे यहाँ पर मेवल 56, भागड़ इस टाइप से हमारा एरिया 56 लगता है, अगर 56 नंबर हमें मिल जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा उपकार होगा। आप हमारे सेनापति हैं अभी जिले के, आपका एक लेटर स्पेशल डिमांड थी हमारी, और इसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको वो वीडियो भी साझा कर दूंगा। मैं लक्ष्मीकांत जी शर्मा सबसे पहले खाचरियावाजी से मिले थे और अपनी फाइल सलूम्बर जिला परिवहन की फाइल उन्होंने खाचरियावाजी को सौंपी थी। ये फाइल ये 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, 21 में भी हम बराबर लक्ष्मीकांत जी को पिन कर रहे थे और लक्ष्मीकांत जी बराबर खाचरियावाजी को पिन कर रहे थे। बाद में हालांकि खाचरियावाजी का पोर्टफोलियो बदल गया और वो फिर किसी और मंत्रालय, उनको कोई और मंत्रालय मिल गया। उसके बाद में ब्रजेश जी ओला सड़क परिवहन मंत्री, वो राजस्थान सरकार के ब्रजेश जी ओला, उनको ये पोर्टफोलियो मिला और ब्रजेंद्र जी ओला। तो उसके बाद में और लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने इसको अपना एक व्यक्तिगत टारगेट तो अपनी व्यक्तिगत एक गोल ले लिया था, वो रात दिन इसमें लगे थे। तो सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहूँगा मैं और हमारी टीम, वो लक्ष्मीकांत जी शर्मा को, उसके बाद में चेयरमैन साहब को, उसके बाद में इनकी पूरी इंटायर जो टीम है उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और उससे ही बड़ा धन्यवाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और रघुवीर जी मीणा। आप यकीन मानिए रघुवीर जी मीणा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना कि मैं अपनी पॉलिटिकल चीज़ें आप तक शेयर कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उनकी जो एक जो कद है, मैंने 19 तारीख का अखबार देखा था, 19 फरवरी का, आप देख सकते हैं 19 या 20 फरवरी का अखबार है, 21 फरवरी को बजट आया था
और 19 फरवरी का अखबार में 20 फरवरी के अखबार में आप एक फ़ोटो आया, उस फोटो को देख सकते हो, बजट पे जो मीटिंगें हो रही थी उसमें एक फ़ोटो आया था रघुवीर जी अशोक जी गहलोत के जस्ट साइड में रघुवीर जी मीणा बैठे थे। तो आप वो फोटो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या शख्सियत है, कि बजट के दो दिन पहले बजट के ऊपर मीटिंग होनी और उस मीटिंग में रघुवीर मीणा का अशोक गहलोत के एक साथ बैठना, पास पास में बैठना और बजट के ऊपर चर्चाएं करना, ये रघुवीर मीणा की शख्सियत बता रही है कि इतनी बड़ी शख्सियत है वो। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रियलिटी वो बात कर रहा हूँ मैं, तो आप वो देखना। और 20 तारीख को मुझे आइडिया लग गया था कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका फ़ोटो बजट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो साथ बैठा हुआ व्यक्ति है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो लेवल है राजनीति में वो दर्शा रहा था, राजस्थान और भारत की राजनीति में उनका जो कद है वो दर्शा रहा था उसमें। तो रघुवीर जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मीकांत जी तो है ही है, इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जा रहा है, जो हम जो श्रेय देते हैं, सबसे बड़ा जो श्रेय देते हैं वो लक्ष्मीकांत जी शर्मा का है, चेयरमैन साहब का, सेकंड नंबर पे चेयरमैन साहब। बाकी सुनील जी सेवक, विजय जी, चौबीसा, नरेश जी, अच्छा हाँ इस मसले पे हम छगन जी सेठ साहब से भी मिले थे, और हाँ मैं एक नाम और बोला, रऊप जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका के वाइस चेयरमैन, उन्होंने इसको अपना व्यक्तिगत काम लेके और इसको अपना एक गोल समझ के इनकी पूरी टीम लगी हुई थी, इन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। सबसे अच्छी बात यह अक्सर क्या होता है कि अगर किसी को बार बार पिन करो तो वो फिर गाली गलौज पे आ जाता है और फिर अभद्र और मतलब कन्नी काटने वाली बात हो जाती है। सबसे अच्छी बात है 365 दिन हमने इनको बराबर पिन किया इनकी इंटायर टीम को, और ये पूरी टीम मतलब आप समझ लो रात दिन दिमाग में इनके बस ये चीज़ घुसा दी हमने, और ये भी उस चीज में लग गए। हमने इनके ऊपर दबाव बनाया, इन्होंने अपने ऊपर वालों पर दबाव बनाया, और ऊपर वाले ने मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया, और ये अपनी मांगे पूरी हुई। तो ये तो हो गई जिला परिवहन और जिला चिकित्सालय की बात। अब जो मुख्य बात है वो है हमारा सलूम्बर जिले की। तो आप ये समझे कि सलूम्बर जिले का एक छाप मिल गई है, पहचान हो गई है, शायद हमारा जो मेरी जानकारी में जो नंबर मिलेगा, जो हमको RJ58 मिलेगा, ये लगभग थे RJ58, लेकिन फिर भी अगर आप माने तो RJ59, इससे आगे नहीं जा सकता। तो RJ58 लगभग फाइनली हमारे जिले की पहचान हो चुकी है, और सलूम्बर का अब लगभग अब जिला बनना तय हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मैंने जो साझा की बात और हमें जो सफलता मिली आप सबको भी अच्छा लगा होगा, और हम चाहते हैं पूरी सलूम्बर की जनता ऐसे ही दलगित राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा कांग्रेस न करके सलूम्बर के लिए सोचे और सलूम्बर के लिए आए। इसमें कोई भाजपा की बात नहीं है, कोई कांग्रेस की बात नहीं है। और हमारे इस पूरे मसले में एक जो व्यक्ति था वो जोरदार था, वो था राम भरोसे पुरोहित, वार्ड नंबर 1 का जो पार्षद है, वो कांग्रेस का पार्षद है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसने कभी भी यूँ नहीं सोचा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और अपनी पार्टी के नेताओं को कैसे पिन करूँ। वो अपने पार्टी के नेताओं भी बड़ा खरी खोटी सुना था आगे, ये काम आपने क्यों नहीं किया, करवाओ। तो उसके मन में भी वो भाजपा कांग्रेस वाला मसला नहीं, उसके मन में जलूम्बर मेरे लिए वेल है, मेरा सब पार्टी भी रहा हुआ राम भरोसे पुरोहित। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सलूम्बर में जितने भी हमारे सलूम्बर जिले के जो लोग हैं उनसे मेरा सबसे निवेदन भी है और आग्रह भी है कि हमें सलूम्बर के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए दलगत राजनीति में नहीं बढ़ना है। हमें सलूम्बर के लिए सलूम्बरिया बन के रहना होगा, सलूम्बरिया बनना पड़ेगा हमको। ना भाजपा ना कांग्रेस, हमारे लिए सलूम्बर पहले। और जो नेता अगर मेरी बात अभी सुन भी रहे हैं, जो नेता, उनसे ही मेरा आग्रह है कि आप ऐसी चीज़ों पर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसकी तारीफ भी करें, आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि इसमें सलूम्बर के लिए अच्छा हुआ है, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है। हमारी जो टीम है जिला मनाव संघर्ष समिति में, कोई कांग्रेस विचारधारा का भी है, कोई भाजपा विचारधारा का भी है, कोई किस दल से, कोई किस दल से। तो कुल मिला के हमारा एक ही गोल है, वो है सलूम्बर का विकास। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा धर्मेंद्र जी शर्मा, राकेश जी पुरबिया का भी मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी टीम भी हमारे इन मुद्दों के साथ में लगी हुई थी, कंटिन्यू लगी हुई थी। और मैं एक और आपको बात बता रहा कि अभी जो पानी वाला जो मसला चल रहा है, जो सलूम्बर पाइपलाइन वाला जो मसला चल रहा है, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि, और चेयरमैन साहब ने हमें ये अभी ये परिवहन का होने के बाद ही हमको ये भरोसा दिलाया कि आप निश्चित रहे कि सलूम्बर में पानी की पाइपलाइन का काम भी जल्दी शुरू होगा, ये काम भी हमारा जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो हम पानी की पाइपलाइन बदलवाने के लिए भी हम लगे हुए हैं। अब हम लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और हमारी टीम, मतलब मेरे कहने का मतलब पूरा सलूम्बर लगा हुआ है,
और इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं, हम सबका काम है। और मेरे साथ में एक हस्ती मौजूद है अभी, राम भरोसे जी पूरे दबी आ गए हैं। राम जी दो मिनट आप आओ हमारे पास, और मैं राम भरोसे जी आपको मिलाना चाहूँगा अभी, मैं जो हमारे साथ में मौजूद है। राम जी थोड़ा आप इधर आ जाइए। राम भरोसे जी पुरोहित, ये आपके सामने, थोड़ा इधर आ जाइए राम जी। ये हमारे जिला संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं, और सबसे अच्छी बात है इनको भाजपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, इनको बस सरूंबर से लेना देना है। तो राम जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आभार आपकी पूरी पार्टी को, और आपको भी, आप भी लगे हुए थे, क्या कहेंगे आप? हाँ हम, मैं तो भाई जिला बनाओ संघर्ष समिति का हिस्सा भी हूँ, और प्रहलाद जी, हिम्मत सिंह जी और संजय यूँ करके रमेश जी जो टीम है हमारी, और जिले की बराबर पैरवी की सरकार तक, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन इस मांग को लेके हमने बराबर सरकार को, यहाँ जो नेता हैं भाजपा हो कांग्रेस हो जो भी किसी भी दल के नेता है, उनको हमने अपनी बात कि भाई सलूंबर को जिला बनाया जाए। धन्यवाद राम जी। और अभी हमारे साथ में हमारे प्रहलाद जी भी मौजूद है। प्रहलाद जी कुछ ब्रीफ करना पड़ेगा आपको, नहीं आपको कुछ कहना पड़ेगा अब हमारे आगे की यह योजना है सलूंबर जिले के लिए, और अब जो हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो सलूंबर जिला है। तो और हाँ जी बोलो। सबसे पहले मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस के नेता रघुवीर जी मीणा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे को जिला परिवहन कार्यालय दिलाया, और जिला चिकित्सालय दिलाया। उसके लिए हम जिला संघर्ष समिति सलूंबर आभार व्यक्त करती है। नगरपालिका चुनाव में प्रमुख मुद्दे थे जिला परिवहन और जिला चिकित्सालय और सलूंबर के पानी की समस्या, तीनों मुख्य मुद्दे थे। तीनों मुख्य मुद्दे उभरे, उसमें एक नारा भी आया था, वक्त है बदलाव का। बदलाव हुआ, सही हुआ, बदलाव सही समय पर हुआ। 30 साल के बाद बदलाव हुआ तो सलूंबर वासी को फायदा भी हुआ, फायदा हम सबको नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है कि सलूंबर का विकास हो रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है, और हम और हमारी टीम आने वाले कुछ दिनों में रघुवर जी का स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी देंगे, और मांग करेंगे कि हमारा सलूंबर शीघ्र जिला बने, जिले की पैरवी करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत जी शर्मा को जो नगर अध्यक्ष हैं, उनकी टीम को जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया और साथ दिया, समय समय पर हमारी बातें सुनी। भले हमने उनको बहुत बार उंगली की, बहुत परेशान किया, तो वो हमसे नाराज नहीं हुए और वो भी लगे रहे हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद। संजय जी न्यू 27 है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ में संजय जी न्यू 27 है, जो अब न्यू 58 होने वाला, उनका नामकरण अब चेंज होने वाला है, उनकी भी घर वापसी होने वाली 27 से 58। संजय जी क्या कहेंगे? ये सबको बधाई, और काफ़ी समय से पूरी टीम द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे जिला परिवहन से लगाकर हैं, जिले का भी जो भी अभियान भी चला था, बहुत समय से ये मांग थी कि ये हमारी जल्द से जल्द पूरी हो, और जिले के लिए बहुत एक अच्छा बड़ा कदम है ये भी, एक तो मांग पूरी हुई है। समस्त जनप्रतिनिधि हैं सलूंबर के, कार्यकर्ता बंधु हैं, राजनीतिक पार्टियों के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका सहयोग हमें मिला है, और इसी तरह आगे भी हमें सहयोग मिले। और जो ये राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी का जो गठन हुआ है, उसमें भी सलूंबर से एक बार और पैरवी हो, और इसके ऊपर जो एक चीज़ बता दूं मैं, राम लुभाया कमेटी जो बनी है जिला बनाने के लिए, जो कमेटी बनाई राज्य सरकार, इसके ऊपर हम एक अलग से लाइव भी करेंगे और इसके ऊपर हम अलग से चर्चा भी करेंगे। तो संजय, इसके ऊपर हम अलग से लाइव करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? बस सबका धन्यवाद है, और इसी तरह सबका सहयोग मिलता रहे,
और सबका साथ सल उम्र के विकास का जो मूल मंत्र है, उसी तरह सभी एकमत होकर हर मामले में, हर मुद्दे पर और जनहित के मुद्दों पर और सल उम्र के विकास के लिए सबका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। अब आपका चैनल जो न्यूज 27 ये है, अब ये न्यूज 58 कब हो रहा है? बिल्कुल नामकरण कब इसका चेंज हो रहा है? इसका भी हो जाएगा। आधिकारिक मतलब ये नोटिफिकेशन आया, गजट नोटिफिकेशन आएगा सरकार का, और ये अपने चैनल का नाम भी बदल देंगे। जो फर्स्ट गाड़ी में लगेगा RJ58CA या AS जो भी लगेगा, और उसी वक्त इनके चैनल का नाम भी चेंज हो जाएगा, RJ58 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कार्यालय का उद्घाटन होगा अपना भी इसका भी उद्घाटन करवा देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत सबका। थैंक यू। हमारे साथ में कुछ हिडन चेहरे भी है, जो हमारे खास रणनीतिकार है। वो क्या है कि वो कैमरे पे आने में शर्माते हैं, बाकी हमारे जो मुख्य जो रणनीतिकार है, रमेश जी लोहार है, हिम्मत सिंह जी है, ये हमारे मुख्य रणनीतिकार है। तो ये न जाने क्यों कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, तो उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप यकीन मानिए, ये जो दो मांगे पूरी हुई है, ये कोई एक मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सलूमर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये दो बड़े कार्यालय वो भी एक साल के अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह कि इन सभी की जो टीम है, जो लक्ष्मीकांत जी की जो टीम है पूरी, वो स्व इंटरेस्ट लेके ये काम कर रही है। तो लक्ष्मीकांत जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार एक बार, और कोटि कोटि ट्रकों भर भर के धन्यवाद और आभार। और अब हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो सलूमर जिले के लिए, इसमें हम सभी मिलकर, हम सलूमर के सभी नागरिक, हमारे प्रस्तावित जिला के सभी नागरिक, सलूमर नगर के सभी नागरिक, हम सलूमर जिले के लिए प्रयास करेंगे और प्रयासरत हैं। और आप सभी इसमें दलगत ऊपर उठे, देर इज़ नो मैटर ऑफ BJP एंड कांग्रेस, देर इज़ ओनली सलूमर। हम सलूमर के लिए हम सब आगे आए, और सलूमर के लिए विकास मंच भी लगा हुआ है, कांग्रेस भी लगी हुई है, BJP भी लगी हुई है, मतलब हम सब एक हैं। तो इसमें कोई पार्टी बात नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, सभी सलूमर के लिए। मुझे ये उंगली तो नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि हमने लक्ष्मीकांत जी को, उनकी पूरी टीम को, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब हमने इनको पिन नहीं किया। पिन करने का मतलब अपनी साधारण भाषा में हमने इनको उंगली नहीं की, और हमको 365 डेज रोज फोन करते, रास्ते मिल जाते, तो बस एक ही बात, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और सबसे अच्छी बात ये भी, कभी उदास नहीं हुए, ये लगे रहे ये भी, और इन्होंने हर बार एक ही बात बोली कि यस लगे हुए, और आप भरोसा रखें हम ये काम 100% करवाएंगे, लगे हुए। और ये सबसे मज़ेदार बात ये कि सिर्फ एक साल हुआ है नगर पालिका बनी है सलूमर में, और इनमें जो वादे थे उन वादों में, जो लक्ष्मीकांत जी का इसमें सबसे बड़ा मैं श्रेय मानता हूँ, जो खुद ये खुद सीरियस लेके, अपने व्यक्तिगत इसको लेके, लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने ये जिला परिवहन कार्यालय, जिला चिकित्सालय, और जो भी नगर पालिका में क्या काम हो, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये जो दोनों काम है, इसका जो पूरा श्रेय मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी शर्मा को जाना चाहिए, और उनको ही जाएगा ये पूरा श्रेय। और ये बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि है लक्ष्मीकांत जी शर्मा के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सलूमर की, जो इतिहास में याद रखी जाएगी, फ्यूचर में याद रखी जाएगी। और अब लक्ष्मीकांत जी शर्मा के नेतृत्व में सलूमर जिला बन जाएगा, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हालांकि मैंने जो ब्रीफिंग की है, आपको ये ब्रीफिंग जान के अच्छा लगा होगा, और हम सलूमर के लिए आगे भी लगे हैं और लगे रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका सपोर्ट हमेशा हमको मिलता रहे। थैंक यू।